नमस्कार दोस्तों, एसएससी जेई का फाइनल नोटिफिकेशन यहाँ पे आ गया है, जिसमें कि इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांच वाले सिर्फ एलिजिबल होंगे। तो जो इन तीनों ब्रांच के अलावा लोग हैं, वो इस वीडियो को अभी छोड़ के यहाँ पे जा सकते हैं, टाइम वेस्ट ना करें। ये सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए नोटिफिकेशन यहाँ पे आया है। जो फॉर्म भराना आज से यहाँ पे स्टार्ट हो गया है, 1/2/2019 से फॉर्म भराना स्टार्ट होगा और 25/2/2019 तक यहाँ पे फॉर्म फिलिंग की डेट दी गई है। लास्ट डेट जो है फॉर्म फिलिंग की, वो है 25 तारीख। लास्ट डेट है आपके पेमेंट की 27 तारीख, लेकिन आप 25 तक ही सारा अपना जो भी प्रोसीजर है उसको कंप्लीट कर लें। इसमें हम पे स्किल की बात करते हैं, तो आपकी 35,400 से 1,12,400 तक होने वाली है, 7th पे कमीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर हम पोस्ट की बात करते हैं, तो इसमें सेंट्रल वाटर कमीशन CWC में सिविल वाले एलिजिबल होंगे, CWC मैकेनिकल में मैकेनिकल वाले एलिजिबल होंगे, CPWD में हम बात करते हैं सिविल वाले एलिजिबल होंगे, CPWD में इलेक्ट्रिकल वाले भी एलिजिबल होंगे। और डिपार्टमेंट पोस्ट की बात करते हैं, तो सिविल वालों की पोस्ट यहाँ पर इस बार भी ज़्यादा है, और पिछली बार हमेशा जैसा होता है SSC में कि सिविल वालों की पोस्ट हर बार यहाँ पर ज़्यादा हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेके जहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं, तो ये वाली जो पोस्ट है, जो वाली पोस्ट को आप जब प्रेफरेंस में डालें, तो आप मेडिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल कर रहे हो तो ही आप इसको डालें। इसमें RRBJEE में जो A3 मेडिकल स्टैंडर्ड है, वो वाला मेडिकल स्टैंडर्ड BRO में फॉलो होता है। तो सिर्फ BRO में मेडिकल स्टैंडर्ड लगता है यहाँ पे, बाकी SSC की और पोस्ट में नॉर्मल मेडिकल होता है, इतना हायर लेवल पर नहीं होता। लेकिन इस वाली पोस्ट में अगर आप मेडिकल स्टैंडर्ड फुलफिल नहीं करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। तो BRO के लिए आप मेडिकल अच्छे से कर लें, ठीक है। अगर हम बात करते हैं मैकेनिकल की, तो CPWD R में, यानी कि सेंट्रल पावर व रिसर्च में आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। बाकी ये सारी की सारी पोस्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके अलावा हम आगे बात करते हैं यहाँ पे, तो जो डिसेबल कैंडिडेट्स हैं उनके लिए ब्लाइंडनेस और लो विज़न के लिए यहाँ पे दिया गया है, जो पूरा का पूरा नोटिफिकेशन में हम नीचे देखने वाले हैं। नेशनैलिटी आपकी, सिटीजनशिप कहाँ की, ये नॉर्मल है। एज लिमिट की अगर हम इसमें बात करते हैं, तो एज लिमिट आपकी यहाँ पे होना चाहिए 1 अगस्त तक, 1/8/2019 तक। आप यहाँ पे 32 साल से ज़्यादा नहीं होने चाहिए। कुछ पोस्ट के लिए 30 साल भी है और कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे 27 साल भी है, वो हम आगे यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। तो CPWD में हम देखेंगे तो 32 साल है CPWD। हम CWC हम मैकेनिकल में देखेंगे, वहाँ पे भी 32 साल है, CPWD में भी 32 साल है। बाकी मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में यहाँ पे आप देखेंगे 30 साल है। डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट जो जूनियर इंजीनियर सिविल की, उसमें 27 साल है। MES में जो क्वालिटी सर्वेइंग कॉन्ट्रैक्ट की है, वो 27 साल है। तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट एजेस के लिए यहाँ पे दिया गया है। अगर हम बात करते हैं एज रिलैक्सेशन की, तो STSC के लिए 5 साल का है, OBC के लिए यहाँ पे 3 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बाकी PWD के लिए यहाँ पे 10 साल का है, और बाकी एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 5 साल का दिया गया है। आगे हम इस नोटिफिकेशन में बात करते हैं, तो आगे आप देखेंगे यहाँ पे, तो प्रोसेस ऑफ सर्टिफिकेशन ऑफ फॉर्मेट यहाँ पे दिया गया है। ये सारा हमारा बात का प्रोसेस है। अगली हम बात कर लेते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, कौन सी पोस्ट के लिए कौन सी ब्रांच वाले यहाँ पे होने वाले हैं। तो जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD के लिए होने वाले हैं, जिसमें डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होंगे। मैकेनिकल CWC में भी मैकेनिकल डिग्री और डिप्लोमा दोनों एलिजिबल होंगे। जूनियर इंजीनियर सिविल CPWD में डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले। CPWD में आप देखेंगे तो सिर्फ डिप्लोमा का यहाँ पे दिया गया है, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा सिविल इंजीनियर फॉर्म भर सकते हैं। CPWD इलेक्ट्रिकल में हम देखें तो डिप्लोमा मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, ये दोनों भर सकते हैं। डिग्री वाले इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। जिन लोगों ने ग्रेजुएशन किया है, वो वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा वाले एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट की हम बात करते हैं, तो 3 ईयर डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग से यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। आगे हम बात करते हैं MES की, तो यहाँ पे डिग्री सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए, और अगर डिप्लोमा आप यहाँ पे भरते हैं MES में सिविल इंजीनियरिंग में, तो यहाँ पे आपके पास 2 ईयर का कम से कम एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल MES में हम बात करते हैं, तो डिग्री इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल से आप भर सकते हैं, और अगर 3 ईयर डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल का आप यहाँ पे भरते हैं, तो वहाँ पे 2 साल का आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगाना होगा। जूनियर इंजीनियर क्वालिटी की हम बात करते हैं, तो यहाँ पे भी आप देखेंगे तो सिविल इंजीनियर्स वाले एलिजिबल हैं। जूनियर इंजीनियर बैरिक प्रोजेक्ट के लिए देखेंगे, तो यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे दी गई है, आप जिनके लिए देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन को नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली इस पूरे के पूरे नोटिफिकेशन को यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं।
एप्लीकेशन फ़ीस की हम यहाँ पे अगली बात कर लेते हैं, तो एप्लीकेशन फ़ीस 100 रुपये होने वाली है, जिसको आप भीम UPI SBI वीज़ा कार्ड डेबिट कार्ड से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद हम फॉर्म फिलिंग की बात करते हैं, 27 तारीख तक आपके यहाँ पे पेमेंट एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स की अगर हम अगली बात कर लेते हैं, तो ऑल ओवर इंडिया में आपको कहीं पे भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली एग्जामिनेशन सेंटर की। सारे के सारे ऑलमोस्ट जितने भी बड़े शहर हैं वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन सेंटर हर स्टेट के उस डिस्ट्रिक्ट में मिल जाएगा। कोई भी दिक्कत वाली बात यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो आप इसको धीरे धीरे स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश रीजन का आप यहाँ पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश में आपके ऑलमोस्ट सारे के सारे जो बड़े शहर हैं वो मिल गए हैं। यहाँ पे उज्जैन है, इंदौर है, भोपाल, रायपुर, बिलासपुर, भिलाई, तो ऑलमोस्ट आपके यहाँ पे कवर अप हो जाएंगे, सागर, सतना, टोटल, ठीक है। तो सारे के सारे यहाँ पे एग्जाम सेंटर्स आप देखेंगे तो टोटल आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एक चीज़ है, यहाँ से आप जिस जगह से आप फॉर्म भर रहे हैं वहीं पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होगा, तो ये थोड़ा सा एग्ज़ाम सेंटर को सोच के वहाँ पे क्लिक करना, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम प्रोसीजर की बात करते हैं तो पेपर 1 और पेपर 2 में यहाँ होता है, तो पेपर 1 ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और पेपर 2 हमारा डिस्क्रिप्टिव होता है, जिसमें आपको लिखना होता है। तो पेपर 1 में हम बात कर लेते हैं, पहले तो 50 नंबर का यहाँ पे रीजनिंग होगा, 50 नंबर का ही यहाँ पे जनरल अवेयरनेस होगा। जनरल अवेयरनेस में सिर्फ करंट अफेयर नहीं होगा, वहाँ पे आपका स्टेटिक GK का पोर्शन भी होगा। और पेपर 1 में जो पार्ट 2 हमारा होता है वो होता है हमारा सब्जेक्टिव, यानी कि सब्जेक्ट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वहाँ पे हमें पूछे जाते हैं। जिस ब्रांच से हम फॉर्म फिलिंग कर रहे हैं, जैसे सिविल वाले हैं तो सिविल को पूरा का पूरा पूछा जाएगा, इलेक्ट्रिकल को इलेक्ट्रिकल वालों को, और मैकेनिकल को मैकेनिकल वालों को। जिन पोस्टों के लिए सिविल और मैकेनिकल कॉमन पोस्ट हैं, कॉमन एलिजिबल हैं, लेकिन उनको सिलेबस तो इंडिविजुअल अपनी ब्रांच का आएगा एग्जाम में। तो आपको ऐसा नहीं कि सिविल वालों को मैकेनिकल का और मैकेनिकल को सिविल का पढ़ना पड़ेगा, ऐसा नहीं। पेपर 2 की हम बात कर लेते हैं, तो पेपर 2 में आपको टोटल यहाँ पे आपका सब्जेक्ट आपकी ब्रांच से रिलेटेड पूछा जाएगा, रिटर्न फॉर्मेट में होगा। आप अगर हिंदी मीडियम से फॉर्म फिल करते हैं तो आपको हिंदी में लिखना होगा, इंग्लिश मीडियम से फॉर्म फिल करते हैं तो इंग्लिश में लिखना होगा। हिंदी वाले इंग्लिश मिक्स करके लिखते हैं, तो यहाँ पे वो चीज़ मत करना, क्योंकि रिजेक्शन उसकी वजह से हो जाता है, ठीक है। कोशिश करें कि आप इंग्लिश में ही इस एग्ज़ाम को भरें। अगली हम बात कर लेते हैं तो माइनस मार्किंग की, जो कि 2.25 है, 1/4 यहाँ पे माइनस मार्किंग रखी गई है, ठीक है। पेपर 1 में, पेपर 2 में माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन पेपर 2 के लिए आपको कुछ चीज़ें हैं जो आपकी तरफ से ले जाना होगी। कैलकुलेटर आपको अपनी तरफ से यहाँ पे ले जाना होगा, लॉग टेबल ले जानी होगी, स्टीम टेबल आपको यहाँ पे खुद से ले जानी होगी, ये वहाँ पे आपको नहीं मिलेगी, तो ये आपको खुद से यहाँ से लेके जाना पड़ेगा। अगर कोई क्वेश्चन के ऊपर आप क्लेम करते हैं कि एग्ज़ाम में गलत आया है, तो उसके लिए आपको 100 रुपये पर क्वेश्चन के हिसाब से यहाँ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम अगली बात कर लेते हैं पेपर 1 के, यहाँ पे सिलेबस की, जनरल इंटेलिजेंस का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है, तो सिलेबस में आप देखेंगे सबसे पहले तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, सिमिलैरिटी, एनालॉजीज, रिलेशनशिप, अर्थमेटिक रीजनिंग है, वर्बल है, नॉन वर्बल भी, यहाँ पे वर्बल और नॉन वर्बल दोनों आता है। तो रीजनिंग में मेनली आप कोडिंग डिकोडिंग पे फोकस कर लेना, ब्लड रिलेशनशिप पे फोकस करना, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस पे फोकस करना, और डायग्राम, पेपर कटिंग के जो क्वेश्चंस हैं, बेन डायग्राम के जो क्वेश्चंस हैं, और इसके अलावा क्यूब वाले जो क्वेश्चन होते हैं, स्क्वायर वाले क्वेश्चन होते हैं, रीजनिंग में मेनली यही, यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलेबस यहाँ पे पूछा जाता है। और इसके लिए बुक्स भी मैं रिकमेंड कर दूंगा, कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है और किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। आगे हम पूरा सिलेबस देखते हैं यहाँ पर जनरल अवेयरनेस का। तो जनरल अवेयरनेस में ये नहीं कि आपको सिर्फ इंडिया का ही पढ़ना है, इंडिया के अलावा भी और भी दूसरा आप देख सकते हैं। तो इंडिया के रिलेटेड, जैसे कि वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड हम देखें, तो ये नहीं कि इंडिया में नहीं हुआ वर्ल्ड वॉर 2 में इंडिया नहीं गया था, तो इंडिया का नहीं पूछा जाएगा। वर्ल्ड वॉर 2 में पूछा जाएगा कि उस समय इंडिया की सिचुएशन क्या थी, ब्रिटेन का हम गुलाम थे तो ब्रिटेन का वहाँ पे प्रधानमंत्री कौन था, वर्ल्ड वॉर के वहाँ पे इंस्टेंस रीज़न क्या थे, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, इस करंट से रिलेट करके पूछा जाएगा। मेनली यहाँ पे अगर GM बात करते हैं तो आपको इकोनॉमिक्स का पोर्शन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, यहाँ पे जियोग्राफी और इकोनॉमिक्स आप अच्छे से करके जाएंगे, ठीक है। हम अगर बात कर लेते हैं तो सिविल इंजीनियर का जो सिलेबस यहाँ पे दिया गया है, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेटिंग, कॉस्टिंग है, वैल्यूएशंस है, सर्वे, शॉलिंग, मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स, ये सारा का सारा सिलेबस है, स्क्रीनशॉट इसका ले लेना। इलेक्ट्रिकल का यहाँ पे देखेंगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, सर्किट है, मैग्नेटिक सर्किट है, AC फंडामेंटल्स है, मेजरमेंट्स एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेके एक बार देख सकते हैं। मैकेनिकल की हम बात करते हैं तो मैकेनिकल में ज़्यादातर पोर्शन यहाँ पे जो दिया गया है वो थर्मल का पोर्शन आपको दिया गया है। हर बार जो सिलेबस में दिया जाता था वो प्रोडक्शन का होता था,
फ्लूइड का होता था, सोम होता था, लेकिन इस बार ज़्यादा फोकस किया गया है आपके थर्मल वाले पोर्शन के ऊपर, जिसमें कि थ्योरी ऑफ मशीन्स हैं ये। इसके अलावा थर्मल का जो मेनली पोर्शन है वो फर्स्ट लो, सेकंड लो, एयर स्टैंडर्ड साइकिल है, आईसी इंजन का बहुत सारा पोर्शन यहाँ पे आपको दिया गया है, आरएसी का कुछ यहाँ पे आएगा, आरएसी का जनरली लोग नहीं पढ़ते हैं लेकिन आरएसी का भी यहाँ पे सिलेबस दिया गया है, ठीक है। तो आरएसी भी आप पढ़ के जाना, थोड़ा सा देखना कम आता है वो, कहीं ना कहीं हमारा थर्मल में और आईसी इंजन में कवर अप हो जाता है, ठीक है। अगली हम बात कर लेते हैं पेपर टू की, तो पेपर टू आपका सब्जेक्टिव होगा, तो आप एक बार इसको देख लें, बाकी मैं आपको डिटेल इसके लिए वीडियो बना दूंगा, तो आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ। एक बार सब्जेक्ट्स के नाम मैं बता देता हूँ, बिल्डिंग मटेरियल आएगा, एस्टिमेशन कॉस्टिंग आएगा, आपको सर्वेइंग आएगा, सॉलिड मैकेनिक्स यहाँ पे मिल जाएगा, हाइड्रोलिक्स है, सिविल वालों का ये सिलेबस है, इरीगेशन इंजीनियरिंग है, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है, स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग है जिसमें थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी है, और आरसीसी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इलेक्ट्रिकल के सिलेबस की हम बात करते हैं पेपर टू के लिए, जो मेंस होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, सर्किट लॉ है, मैग्नेटिक सर्किट है, एसी फंडामेंटल्स हैं, मेजरमेंट एंड मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इलेक्ट्रिकल मैकेनिक्स हैं, सिंक्रोनस मशीन्स हैं, जनरेशन ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन है, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग है, यूटिलाइजेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स का यहाँ पे पोर्शन दिया गया है। मैकेनिकल इंजीनियरिंग में हम बात करते हैं तो थ्योरी ऑफ मशीन्स है, मशीन डिज़ाइन है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है, सोम है, थर्मल इंजीनियरिंग है, थ्योरी ऑफ मशीन है जिसमें फर्स्ट लो, सेकेंड लो, एयर स्टैंडर्ड साइकिल आपको कवर हो जाता है, आईसी इंजन है, इसके बाद आरएसी का पोर्शन है, फ्लूड मैकेनिक्स है जिसमें कि आपको फ्लूड स्टैटिक्स मेजरमेंट्स, फ्लूड काइनेटिक्स, डायनेमिक, टोटल आपका फ्लूड यहाँ पे पूछा जाएगा, हाइड्रोलिक का पोर्शन भी होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील जो कि आपका मटेरियल साइंस का पोर्शन मिल जाएगा आपको, प्रोडक्शन का पोर्शन, मटेरियल साइंस का पोर्शन यहाँ पे आपको मिल जाएगा जो आपने वर्कशॉप पढ़ा होगा। आगे हम देख लेते हैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का, तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन आपका सेकंड प्रोसेस के बाद होगा, जो मेरिट लिस्ट आपकी बनेगी फर्स्ट और सेकंड दोनों के मार्क्स को मिला के बनेगी, और इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, ठीक है। और बॉर्डर फोर्स के लिए जो भी भर रहे हैं VRO के लिए, तो वो लोग मेडिकल एक बार देख लें, क्योंकि वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट, आपका विजन टेस्ट, फिजिकल स्टैंडर्ड्स, टोटल वहाँ पे आपका देखा जाता है, और BRO के द्वारा वो मेडिकल टेस्ट होता है, तो आप ऐसा नहीं कि आपके स्टेट के या आपके डिस्ट्रिक्ट के कोई भी हॉस्पिटल से आप करा के ले जाओगे और वो मेडिकल एक्सेप्ट हो जाएगा, नहीं, वो मेडिकल आपका BRO के द्वारा होगा, ठीक है। तो मिनिमम क्वालिफाइंग हम मार्क्स बात करते हैं, पेपर वन और पेपर टू की जनरल वालों के लिए 30% है, OBC के लिए 25% है, और अदर के लिए 20% है, लेकिन ये आप पता है कि इतना मिनिमम नहीं जाता है, मेरिट लिस्ट के अकॉर्डिंग यही जाता है, तो मिनिमम आपको यहाँ पे 70% से ऊपर स्कोर करना पड़ेगा, ठीक है। पेपर वन और पेपर टू आप देखेंगे तो पेपर वन कंप्यूटर बेस्ड होने वाला है, और पेपर टू आपका रिटन होने वाला है, जो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पेपर वन एंड पेपर टू, इन दोनों के बेसिस पे बनेगी, ठीक है। तो पेपर वन आपका सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नहीं है, यहाँ पे आपको वहाँ पे स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों के मार्क्स आपको यहाँ पे जुड़ेंगे, वो मेनली पेपर वन है, क्योंकि पेपर टू में डिस्क्रिप्टिव होता है तो सब वहाँ पे कर ही लेते हैं, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, जो हम बात कर रहे थे BRO की, तो BRO में आप अगर देखेंगे यहाँ पे, तो BRO में आपका जो दिया गया है हमें पेज नंबर 9 पे यहाँ पे दे दिया गया है, फिजिकल इफिशियंसी आपकी टोटल होनी चाहिए। आगे हम पूरा का पूरा BRO का देख लेते हैं कि यह क्या इसका पूरा प्रोसेस होने वाला है, ठीक है। तो हम डायरेक्ट इसके BRO पे ही चले जाते हैं, ठीक है। तो आपको जो डिपार्टमेंट मिलेंगे इसके अकॉर्डिंग मिल जाएंगे, जो एग्ज़ाम सेंटर्स हैं ये नॉर्मली पढ़ लेना आप, ठीक है। 2 ईयर का आपका प्रोविजनल पीरियड होने वाला है, ट्रेनिंग होगी आपकी अलग अलग, ठीक है। डायरेक्ट हम जाते हैं मेडिकल पे कि BRO में क्या मेडिकल यहाँ पे होने वाला है। प्रोसीजर ऑफ फिलिंग ऑनलाइन फॉर्म, यहाँ पे पूरा का पूरा प्रोसीजर दिया गया है, बाकी मैं आपको फॉर्म भर के बता दूंगा, एक बार आप नॉर्मल यहाँ पे देख लो कि मोबाइल नंबर पे आपका OTP आएगा, ईमेल पे आपका OTP आ जाएगा, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन पे जाना है, रजिस्ट्रेशन जिसने पहले किया होगा उसको मिल जाएगा, पासवर्ड याद नहीं है तो फॉरगेट पासवर्ड पे कर क्लिक करके आप पासवर्ड ले लेना, वहाँ से आपको मिल जाएगा, फॉर्म पे पहुँच जाना, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन करना, इसके बाद सेकेंडरी में आप इसको वोटर आई डी, पैन कार्ड जो भी आपको लगाना है वो आप लगा सकते हैं, 10th की मार्कशीट है। अगर हम फोटोग्राफ की बात करते हैं तो आपको 20 से 50 के बीच में यहाँ पर आपको फोटो रखना है, जिसकी जो विड्थ होगी 3.5 सेंटीमीटर और हाइट होगी 4.5 सेंटीमीटर। आपको स्कैन फोटोग्राफ यहाँ पे डालना है, ब्लर नहीं होना चाहिए, आपको फोटोग्राफ 10 से 20 KB के बीच में रखना है, और इसके बाद आधार
इनरोलमेंट नंबर आपको रखना है, ठीक है, थंब इम्प्रेशन आपको डालना है। अगर आप आधार यहाँ पे इनरोल कर दोगे तो आपको थंब इम्प्रेशन नहीं मांगेगा, लेकिन अगर आप वोटर आईडी से करोगे, पैन कार्ड से करोगे, तो आपको वहाँ पे थंब इम्प्रेशन देना पड़ेगा, ठीक है। तो आप देख लेना जिससे भी आपको भरना है, मैं रिकमेंड करूँगा कि आधार से भरना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है SSC में आप भर रहे हो, ठीक है, क्योंकि सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आप SSC को दे रहे हो। जो आप एग्जैक्ट आपकी जो इन्फॉर्मेशन भरोगे वो 10th मार्कशीट को साथ में रख के भरना, ठीक है, मेट्रिकुलेशन आपकी जो मार्कशीट है उसको आप साथ में लेके भरना, उसमें आपको एजुकेशन यानी कि कौन से बोर्ड से आपने पास किया है, रोल नंबर क्या था, पासिंग ईयर क्या था, आपका जेंडर क्या है, लेवल ऑफ एजुकेशन आपकी हाइएस्ट क्या है, ये सारा आपको मिल जाएगा। इसके अलावा आपको मोबाइल पर OTP मिल जाएगा, आपको आपके ईमेल पे भी OTP यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। तो अगली हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, बाकी मैं फॉर्म भर के भी आपको बता दूंगा। ये आपका सिलेक्शन के बाद का प्रोसेस है, जहाँ पे जिस भी डिपार्टमेंट में आप जाते हो, ठीक है, STSC का आपका कैसा सर्टिफिकेट होना चाहिए, किसके अकॉर्डिंग वो सारा दिया हुआ है, कास्ट सर्टिफिकेट का, तो वो हमारे काम का नहीं, हमारे काम में डायरेक्ट हम डायरेक्ट पहुंचते हैं 8 नंबर, ये डिसेबिलिटी के लिए है, तो कैसा है वो आप देख सकते हैं। ये सर्टिफिकेट आपको डिसेबिलिटी मेन जो आता है BRO का, ये सर्टिफिकेट आपको भरना पड़ेगा। तो BRO का ये सर्टिफिकेट है, आप इसमें देख सकते हैं, विजन टेस्ट होगा, ब्लाइंडनेस टेस्ट है, टीफ टेस्ट है, और आपका जो सुनने का जो टेस्ट है, हियरिंग कैपेसिटी जो है आपकी, वो मेनली यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्ट लगा दिया गया है वहाँ पे, स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ आपको दे दिया गया है वहाँ पे, कि उसको आपको कंपलसरी फुलफिल तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। हम और आगे यहाँ पे चले जाते हैं डायरेक्ट, तो हम बात करते हैं मेडिकल स्टैंडर्ड की। मेडिकल एग्जामिनेशन में आप देख सकते हैं कि BRO के अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका पूरा का पूरा होगा, जिसमें कि आपको GREF सेंटर बोर्ड या BRO दोनों एक ही हैं, ठीक है। टेम्परेरी अगर आप अनफिट होते हो तो उसके लिए आपको टाइमिंग मिल जाएगा, मिनिमम आपको 60 डे, 60 दिन आपको मिलता है, आप दोबारा वहाँ पे मेडिकल करा सकते हैं। उसके लिए आपको कुछ पैसे जमा करने होते हैं, बहुत कम अमाउंट होता है, लगभग 30-40 रुपये ऐसा समथिंग अमाउंट है जो आपको जमा करना होगा। अगर आप अनफिट हो, परमानेंट हुए तो फिर तो आप कैंसिल ही समझो, ठीक है, परमानेंट का तो कोई यहाँ पे है नहीं, लेकिन टेम्परेरी अगर आप अनफिट हो तो। अगर हम विजुअल स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं BRO में, ये ज़्यादा जो होगा BRO में होगा, बाकी अदर डिपार्टमेंट्स में भी होता है, लेकिन बहुत नॉर्मल बेसिस पे होगा, जो कि आप आपके डिस्ट्रिक्ट से भी करा के ले जा सकते हो। लेकिन BRO में अगर आप फिल कर रहे हो, BRO के लिए आप अगर सिलेक्ट होते हो, तो आपका BRO के द्वारा मेडिकल होगा। विजुअल टेस्ट की हम यहाँ पे बात कर लेते हैं, तो 6x12 आपका ईच आइज होना चाहिए, ठीक है, सर्जरी नहीं होना चाहिए, मेडिकल फिटनेस आपकी होनी चाहिए ऑलमोस्ट, जो भी देख लेना, बाकी जो JEE का मैंने बनाया हुआ मेडिकल स्टैंडर्ड वही है, वहाँ पे A3 मेडिकल स्टैंडर्ड आप यहाँ पे ले सकते हो, ठीक है। मेल कैंडिडेट्स, ये आपका टोटल प्रोसीजर हो गया। पासिंग के लिए आपको 10 मार्क्स हैं यहाँ पे, बाकी ये सारे के सारे रीजन्स हैं, जिस रीजन से वेस्टर्न हिमालय रीजन में अगर आप BRO में सिलेक्ट होते हैं, तो आपकी मिनिमम हाइट 158, चेस्ट आपका 75 होना चाहिए, वेट आपका 47.5 होना चाहिए। ईस्टर्न हिमालय रीजन में अगर आपका होता है तो 152 सेंटीमीटर हाइट यहाँ पर मांगी गई है। अगर हम बेस्ट प्लेन रीजन की हम बात करते हैं, तो 162.5 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी हाइट होनी चाहिए, 76 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर एक्सपांशन यहाँ पे होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन की हम बात कर लेते हैं, 157 तो नॉर्मली ये है, ज़्यादा नहीं है। BRO के लिए अगर आप कर रहे हो तो आपको टोटली फिट होना चाहिए, सिंपली आप देख लेना। जो भी है, ये सारा का सारा नोटिफिकेशन था, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर फिजिकल फिटनेस आपकी होगी, मेडिकल हिस्ट्री, ये सब है BRO के लिए, जो भी मेडिकल इसमें दिया गया है वो जनरली BRO के लिए दिया गया है, ठीक है। बाकी नॉर्मली जो लोगों को नहीं पता होता है वो होता है आपका टेस्ट, वो कलर ब्लाइंडनेस का टेस्ट, आपको जनरली यहाँ पे नहीं पता होता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है कलर ब्लाइंडनेस में, तो कलर ब्लाइंडनेस आप एक बार चेक करा देना। इसके अलावा आपका टेस्टिक्स की चेकिंग होती है, तो टेस्टिस आप चेक करा लेना, आपके कान नाक टोटल एक बार BRO में अगर भर रहे हो तो एक बार मेडिकल करा के जाना, ठीक है, किसी भी जगह से आप मेडिकल करा सकते हो। या आपको जनरल टेम्प्रेरी दे दिया है क्या क्या यहाँ पे चाहिए उन लोगों को, तो ये सारा का सारा मेडिकल था, देख लेना। हाँ, SSC JEE के लिए क्रेज कोर्स ज्वाइन कर लेना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, और फॉर्म फिलिंग के लिए अगर आपको चाहिए तो आप फॉर्म फिलिंग के वीडियो के लिए नीचे कमेंट कर दो कि कैसे SSC JEE का फॉर्म फिल करना है, फोटो को रिसाइज कैसे करना है, साइन सिग्नेचर कैसे करना है, और क्रेज कोर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो, और इस वीडियो को शेयर कर लो। जय हिंद दोस्तों।